Ooh. This space looks... Don't turn off the light, I'm coming home. Hey guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Into Your Mata and welcome to my ghar at Sapna. Welcome to Meme Room. Meme Room kya hai? इस वीडियो में आप जानने वाले हो और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखो, एंड तक देखो टू नो हाउ वी मेड आवर गेस्ट रूम अ मीम रूम. यस, यू हर्ड इट राइट, अ मीम रूम. द प्रॉब्लम विद द गेस्ट बेडरूम वॉज देर वॉज नो बाथरूम प्रोवाइडेड बाई द बिल्डर. ऐसा नहीं है, देर वॉज अ अटैच बाथरूम, बट क्योंकि मुझे मास्टर बेडरूम की जो बाथरूम थी उसको बड़ा करना था, आई वॉन्टेड बाथटब इन दैट बाथरूम, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली बाथरूम की जो लोकेशन है उसको चेंज कर दूँ. एंड क्योंकि गेस्ट बेडरूम है तो वो अगर साइज़ भी उसका छोटा भी हो जाएगा विल नॉट क्रिएट दैट यू नो बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. सो हमने वहाँ से 5 feet लिया उस रूम की साइज से, वी टुक अ 5 feet इन एंड वहाँ पर एक नया बाथरूम क्रिएट किया और उसकी जो एग्जिस्टिंग बाथरूम थी उसको हम लोगों ने मास्टर बेडरूम के बाथरूम में ले दिया. सो दिस प्रॉब्लम विच वी वर फेसिंग इनिशियली दैट गॉट एलिमिनेटेड. नहीं, आपको इस साइड में ही देना पड़ेगा. नहीं तो आपको वो कबाड़ की बॉडी में भी दे सकते. ये उस वाले रूम पे नहीं. इस बाथरूम के टाइल्स लग गई है एंड आई एम रियली हैप्पी द वे इट इज़ लुकिंग. ये बाथरूम एक द ओनली सिंगल बाथरूम है जो काफ़ी मेरे घर की जो थीम है ग्रेज बेज टोन एंड दिस कलर पैलेट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. रीज़न बीइंग आई एम प्लानिंग टू यू नो हैव गेस्ट ओवर इन दिस रूम, तो मुझे लगा कि इनके लिए मुझे कुछ रेगुलर जो टाइल्स है जो प्रीमियम टाइल्स है वो लगाना चाहिए. सो आई गॉट दिस बेज कलर के टाइल्स एंड उसी की फ्लोरिंग है ऑफ वाइट कलर बेज कलर के एंड दिस लुक्स रियली रियली प्रीमियम. अगर आपको प्रीमियम लुक देना है, बाथरूम्स को बड़ा दिखाना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शन. इस बेडरूम में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था. कंसिडरिंग दिस इज़ अ गेस्ट बेडरूम, आई वॉन्टेड अ क्वीन साइज बेड, दो साइड टेबल, एक बड़ा सा वार्डरोब एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर टीवी. दैट्स इट. इससे ज़्यादा इस रूम में मुझे ज़्यादा जंबल अप नहीं करना था. और यहाँ पे तीन चार लगाना, चार बड़े लगाना और बीचों बीच में छोटे छोटे लगाना. दो आठ चार बड़े पे चार चार छोटे छोटे. और हमें लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार अंदर से देख लेंगे. सो मैं मुस्ता को ये बता रही थी कि इस रूम में मुझे दो कलर करना था और जब भी हम लोग किसी भी जगह पे दो कलर करने की कोशिश करते हैं, हाफ एंड हाफ कलर करने की कोशिश करते हैं, मेन प्रॉब्लम ये होता है लाइन मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मैं मुस्ता को ये बोल रही थी राइट नाउ कि मुस्ता एक मोल्डिंग कर दे जो हमारी POP मोल्डिंग होता है, क्योंकि ये वॉल POP की है इसलिए POP मोल्डिंग दे रहे हैं. अगर ये वुडन होता तो मैं लकड़ी की मोल्डिंग लेती. तो POP की मोल्डिंग लेके हम लोग यहाँ से पूरा ये घुमा लेंगे और नीचे का कलर एक होगा, ऊपर का कलर एक होगा. सो कल आप देख रहे थे कि ये मोल्डिंग बन रहा था, तो ये मोल्डिंग अभी सूख गया है. व्हाई वी हैव गिवन दिस मोल्डिंग, ये अवॉइड भी कर सकते थे. हाफ एंड हाफ मैं कलर करने वाली हूँ, नीचे का पोर्शन एक अलग कलर होगा, ऊपर का पोर्शन एक अलग कलर होगा. इसके वजह से दिस मोल्डिंग जस्ट डिविजन देने के लिए बनाया गया है. सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये रूम ऑलमोस्ट रेडी है. So making this wardrobe, was it a hassle? Yes, but when it comes to the your home or any exclusive design, you expect this extra work to be done. ताकि moving forward जब भी हमारे कोई भी client के घर पर ऐसे wardrobes बने, we know what fittings to get and what you know materials to get and how to get it installed. Because this time we got succeeded and the wardrobe was looking really beautiful. So as you can see, fittings लग गया है और ये है log जिसके बारे में मैं कल आपको बता रही थी.
आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग अ स्लाइडिंग का लॉक. नॉर्मली वुडन फ्रेम के साथ भी होता है लेकिन दिस इज समथिंग न्यू. और दिस कंपनी इज कॉल्ड बोस BOSE, नॉट द कंपनी जो वो म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं. दिस अ डिफरेंट कंपनी, दे आर फ्रॉम मुंबई. आई लिंक देयर अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि अगर आपको सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो. अगर हम लोग बीच में से काली पट्टी दो मैं मंगवा लूँ ऐसे लगाए तो कितने पीसेस लग रहे हैं? दो फीट का है और ये 8 फीट का है, मतलब 4 पन्ने लगेंगे, 4 पार्टीशन लगेगी. अच्छा अगर ये है तो ये कितने फीट का है? 4 फीट का है, 3 फीट 1 इंच ना, 6 फीट 6 12 बारह फीट चाहिए. 15 फीट मंगवा लेते हैं. 15 बाई 3 फीट 3.5 जब भी हम लोग वार्डरोब बनाते हैं केन की, दैट वी हैव फेस दिस मल्टीपल टाइम. आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक वेव दिख रहा होगा. अगर आप लकड़ी में बना रहे हो तो देन ऑब्वियसली आप इसको प्रेशराइज करके चारों तरफ से वुडन का एक बीडिंग लगा सकते हो. बट हमारे पास प्रोफाइल है, सो द सोल्यूशन इज़ कि हम लोग यहाँ पे मेटल जो है, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे मेटल लग रही है, जहाँ पे मेटल पार्ट आएगा वहाँ पे हम लोग ग्लू कर दें और बीच में थोड़ा सा तो वेव आएगा. इट्स अ नेचुरल मटेरियल, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जितना भी आप खींच के लगाओ आगे जाके वो होगा ही. अगर आप ग्लू लगा रहे हो तो इट विल बी विजिबल ऑल्सो. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग लाइक केन शटर्स, केन वार्डरोब इंस्पायर्ड बाई अस, इंस्पायर्ड बाई इंटीरियर माता, तो आप ये डर मत जाइए कि ये थोड़े से वेव आ रहे हैं. इट इज़ कॉमन and you have to accept as it is. Now पीछे आप देख रहे होंगे कि हमने, मैंने अपने लिए we have taken a semi see-through glass and front में हम लोगों ने clear glass लिया है ताकि मुझे privacy मिल सके wardrobe के अंदर. ये आप clear glass के साथ भी जा सकते हो. ईशान थोड़ा क्लोजअप आके आप दिखा दो. See this is the glass, frosted glass we have taken और सामने clear glass लिया है. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, इफ़ यू वांट कि सिर्फ आप क्लियर ही दिखे वार्डरोब के अंदर जो है आपको दिखे जाए, तो आप दोनों साइड क्लियर ग्लास ले सकते हो. दिस आर 4 mm ग्लासेस. सो आई वाज रियली हैप्पी द हाउ इट टर्नड आउट. नाउ इट इज़ टाइम टू सिलेक्ट द कलर्स. सो आई वेंट अहेड विद सम बेज एंड ग्रीन, सेज ग्रीन, बिकॉज यू कैन सी, यू नो, अगेन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस इज द कलर पैलेट. आई वॉन्टेड टू गो विद सम काइंड ऑफ ग्रीन. हाँ मैडम. सर हमारी ऑर्डर कहाँ पे है, कब से हम लोग, कितने 2 महीना हो चुका है आपको पेमेंट किए हुए? हो गई है शिपिंग, ये हो गई है 2-3 दिन में पहुंच जाएगा. नहीं आप मुझे डिटेल्स भेजिए. टाइम लगता है मैडम, आप 2-3 दिन लगे. नहीं नहीं आप मुझे डिटेल्स भेजिए, नहीं तो मैं कैसे विश्वास करूंगा. आप मुझे फोटो भेजिए या फिर शिपिंग डिटेल्स भेजिए, कुछ तो भेजिए. मुझे कैसे आपके बातों में भरोसा होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग बिजनेस विद यू. हमारे इतने सारे ऑर्डर होते हैं, कुछ तो डिटेल भेजता. मैं 2 महीना हो चुका है आपको पेमेंट कर चुकी हूँ, अभी तक सामान नहीं आया मेरे पास. मैडम एक चीज नहीं होती है ना, हमारे पास 10-15 चीज होती है एक साथ शिपिंग करने. सेम हमारे पास भी होता है. हमारी आपको करवा दे रहा हूँ, घर की इनोग्रेशन की टाइम आ गई है, अभी तक सामान नहीं आया. हाउ दिस इज गोइंग टू बी, यू नो, पॉसिबल फॉर अस? प्लीज प्लीज आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, नहीं तो मैं आज इंस्टाग्राम में सोनी में रख रही हूँ. आप देख लीजिए. आई एम सॉरी, मैं ये करना ही नहीं चाहती हूँ. 2 दिन में आपके घर पे आ जाएगा आपका सामान. नहीं आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं नहीं विश्वास करती हूँ. आप मुझे या तो फिर शिपिंग डिटेल्स भेजिए या तो फिर आप अपने फर्नीचर बनाया है वो मुझे डिटेल्स भेजिए. इतने लोग हमारे वीडियो देख के आपको अप्रोच करेंगे. दो चार दिन लगता ही है. नहीं नहीं 2-4 दिन लगता है, आई अंडरस्टैंड, बट 2 महीना तो नहीं लगता है ना. अगर आपने 45 डेज बोला है, प्लीज उसके बाद रिस्पॉन्ड भी कीजिए कि हाँ चलिए ठीक है डिले हुआ है, वो रिस्पॉन्ड कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है. मैं मानता हूँ उससे हमारे तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम है, मानता हूँ, बट 2 दिन में आपकी तरफ शिपिंग हो जाएगी. आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, नहीं तो मैं स्टोरी रख लूँ बस. लेट्स वेट, कोई और ऑप्शन नहीं है. लेट्स वेट, देखते हैं.
आई नो दिस इज अ गुड ब्रांड, उन्होंने काफ़ी जगह पे बहुत सारे बड़े आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, आई अंडरस्टैंड इंटरनल प्रॉब्लम भी, आई अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू बी यू नो एज पेशेंट एज पॉसिबल, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार उनके साथ बिजनेस कर रही हूँ और ऑलरेडी हमने पेमेंट दे दिया है, यू नो सच अ ह्यूज अमाउंट, इफ उनका ही फोन है, सच अ ह्यूज अमाउंट, मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ये बन गया है या फिर इस स्टेज में है, सो दैट विल बी एश्योर्ड कि हाँ चलो ठीक है। सो इनिशियली हम लोगों ने ऊपर की जो गेस्ट बेडरूम है उसके लिए एक बेड ऑर्डर किया था जो किंग साइज का था, देन क्योंकि वो रूम काफ़ी छोटा था, आई डिसाइडेड लेट्स गो विद अ क्वीन साइज बेड। सो ये जो बेड है दिस इज़ फ्रॉम रिक्लेम्ड वुड, इट्स अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड उन्होंने ये बेड हमें भेजा है, नॉट अ कोलैबोरेशन, वी पेड फॉर इट। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द बॉक्स एंड सी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से आके रखा हुआ था, अभी ओपन करके आपको दिखाते हैं कि बेड कैसा है एंड उसके बाद गेस्ट रूम में सेटअप करके दिखाते हैं। इंस्टॉलेशन डे आई वॉज नॉट हेयर, आई वॉज डूइंग समथिंग, आई थिंक उस दिन कुछ तो चल रहा था गाइज, एनी वे आई वॉज नॉट देयर एंड ईशान वॉज देयर, सो उसने शूट किया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द इंस्टॉलेशन वॉज बींग डन, बट देन आई गेट टू सी द वार्डरोब फॉर द फर्स्ट टाइम विच आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट एंड दिस इज दैट डेज फुटेज, फोन फुटेजेस जो मैंने हाथ में लिया था, दिस वॉज अराउंड फेब्रुअरी, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर द डे 6 फेब्रुअरी एंड यू कैन सी द फोन फुटेजेस हियर। पिछले 2-3 दिनों से मैं घर नहीं आ पाई बिकॉज देयर वॉज सम प्रॉब्लम, पैकिंग भी चल रहा है साथ में एंड हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल भी कर रहे थे, तो काफ़ी सारे काम हो चुका है। सो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, देखने वाली हूँ, मुझे वीडियो तो मिला था, स्पेशली यू नो मास्टर बेडरूम की जो वार्डरोब है उसमें जो एंटी ग्लास लगा है दैट आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट एंड हमारी जो केन की वार्डरोब है जो हम लोगों ने सैंडविच ग्लास के साथ बनाया है दैट टू आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, तो मैं भी देखूंगी उसके साथ, आप भी देखिए एंड यू नो यू विल सी कि मेरी फीलिंग क्या होती है और आई एम श्योर कि आपको भी सिमिलर फीलिंग होगा। सो विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम, कम ऑन। ओके कम ऑन इन, वाओ सो प्रिटी, सो प्रिटी। तो यहाँ पे ये एक बोस बोल के एक ब्रांड है, उसकी फिटिंग्स है, दिस ब्रांड इज़ बेसिकली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, आई थिंक इटली एंड ये फिटिंग्स मैंने पहली बार व्हेन आई वाज इन मुंबई मैंने पहली बार देखा था। सो इट डज़ कम विद अ लॉक, ये आप बंद कर सकते हो पूरे वार्डरोब को, द प्रोफाइल कम्स विद अ लॉक एंड उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो ना अपने जब बन रहा था यू हैव ऑलरेडी सीन बट दिस इज़ क्लियर ग्लास, उसके साथ दिस इज 4 mm क्लियर ग्लास, पीछे ब्लैक जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है 4 mm एंड बीच में हम लोगों ने केन को सैंडविच किया है, द एंटायर थिकनेस इज 8.5 mm एंड ये बनाने के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल फिटिंग्स लिया था बिकॉज ये अप टू 9 mm तक ग्लास सपोर्ट करता है। सारे जो फिटिंग्स आते हैं, सारे जो प्रोफाइल्स आते हैं वो 4 या 5 mm तक ही ग्लास ले सकते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग लाइक दिस देन यू हैव टू कंसिडर कि आपको 8 या 9 mm तक आपको थिकनेस मिल जाए, बीच में स्पेस मिल जाए जहाँ पर आप दोनों ग्लास को सैंडविच कर सकते हो एंड अंदर में वॉट वी हैव डन इज़ वी हैव इंस्टॉल्ड प्रोफाइल लाइट ऑन द साइड
यूजुअली हम लोग दूसरी जगह पे लगाते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने साइड पे लगाया है एंड इट इज़ रनिंग थ्रू द एंटायर वार्डरोब. दैट्स व्हाई दिस वार्डरोब इज लुकिंग सो प्रिटी एंड सो हैप्पी. डेफिनेटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव अफेयर. अगर आप सिमिलर वार्डरोब्स बनाना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू स्टार्टिंग फ्रॉम 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 5,000-6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, क्योंकि केन की प्राइजेस हैं ग्लास की अंदर. दिस फिटिंग इज सुपर एक्सपेंसिव एंड अंदर में भी वी आर हैविंग लाइक ग्लास ड्रॉयर्स, ये सारे सॉफ्ट क्लोजर फिटिंग्स हैं फ्रॉम हैफले. तो आई विल शो यू, दिस आर ऑल सॉफ्ट क्लोजर हैफले फिटिंग्स. एंड इस साइड में वॉट आई एम डूइंग इज, एक बार फिनिश हो जाए आई विल गिव यू डिटेल टूर, बट यहाँ पे दिस साइड ऑल्सो वी आर हैविंग ग्लास शेल्फ. आई नो यू आर वेटिंग फॉर द मीम पार्ट ऑफ दिस रूम. नाउ बीइंग अ डिज़ाइनर, आई डू प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इवन इन माई लाइफ, लेकिन उसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसमें मुझे मीम्स बहुत पसंद आते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस लाइक मीम्स, बट मुझे थोड़े एक्सटेंसिव वे में मीम्स पसंद है. एंड मेरे जो बहुत ही छोटी सी क्लोज सर्कल में 3-4 लोग रहते हैं, उनको मैं मीम्स शेयर करती रहती हूँ. उसके पीछे ईशान भाई है, उनको तो मैं पूरा दिन मीम्स शेयर करती रहती हूँ. द थिंग इज़, एक दिन हम और ईशान उस रूम पर शूट कर रहे थे एंड सडनली दिस आइडिया केम आउट कि लेट्स हैव, बिकॉज दिस इज अ गेस्ट बेडरूम एंड हमारे जो गेस्ट आएंगे जो इस रूम में रहेंगे उनके साथ कुछ फनी करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत फनी इंसान हैं, लेकिन उनके साथ कुछ फनी करने की हमारी इच्छा जग गई. एंड वी डिसाइडेड कि एवरी टाइम अ गेस्ट विल कम इन, हम लोग उनके रिलेटेड कुछ मीम रखेंगे. नाउ हु डजंट लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, राइट? वी लव हिम 3000 इवन मोर. बट ये जो मीम था ये स्पेसिफिकली मेड सो सेंस बिकॉज वो ना पर्टिकुलरली वो बेड पे देख रहा है एंड बहुत सारे कपल, हमारे कपल फ्रेंड्स हैं जो हमें विजिट करते रहते हैं. वी थॉट दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस जोक, वी विल नो अबाउट इट लेटर ऑन द वीडियो, बट वी डिसाइडेड टू फाइनलाइज दिस मीम. और ये सारे ऑप्शंस थे, आपके स्क्रीन में होंगे. आई नो यू आर लाफिंग गाइस, Please don't laugh. This is going to be, you know, extraordinary. So wait till end. And now it is time for our friends to come and visit the room and give us the review. Hi, my name is Nikita. And my name is Shivam. And we own a brand together. It's called Kala Bazaar. And we are here to review Interiors Mata's room today. Recently, something that new has happened in our life is we got married, and it's been three months now. And I and Shivam know each other since 2011, so yeah. 13 years of knowing each other, and we were in relationship for like last 3 years. 3 years. Yeah, he was my best friend, and he's still my best friend, and. and he's the best. I'm very lucky to be ending up with him. And Kala Bazaar has started out of sheer urge of earning money, and I was unemployed at the time. We were just sitting around and I was like, hey, how about we start with something related to merchandise, as we both are interested in clothing and everything, people. And that's how it started, and luckily it is where it is right now. Please don't, along with something about Shivam is very silent and he's very sorted and everything, but he's an amazing parent to Whiskey. That's it from us. Ooh, this space looks bigger. Yeah. It's very nice. I know. That's what I saw. It looks really pretty. This was the green. This is like the Instagram green, you know. Everything. Shivam ko memes pasand aa gaya. Ha. Damn girl. The memes ki check kar raha hu main. Jabardast. Oh, Ishan sir. And yeah, the memes.
They have curated really nice. What do you think? I really like the color palette for like whole space. And this wardrobe and the wooden work as well. पर नहीं मैंने बंदूक नहीं रखा है शिवम के सर पे ये सब क्या ये सब बोलने के लिए ठीक है मतलब सिर्फ पसंद आया हाँ या ना मैं बोल रहा हूँ यार नहीं I really like the room and I would love to, can I stay here please yes please this is so beautiful please इधर हम लोग हमारे ambiance से थक जाएं बालकनी का पर्सपेक्टिव चेंज करना हो तो हाँ रह सकते हो प्लीज निकिता प्लीज तो बहुत बोर हो रही प्लीज ओके या येलो लाइट्स एक बार वेरी नाइस Ananya, this is really pretty. Okay, apart from the camera and everything, I really, really, really liked it. The color palette and everything, so beautiful. So beautiful. That's it guys. I hope you enjoyed this video. This was something different. You know, this is the final look of the room. And wait and enjoy the series till the end. This is the second video. I hope you enjoyed. Next video mein, I will show you the baithak of my home, which you will love. And if you want to contact us, if you want your home to be designed by Interior Mata, this is our phone number. Reach out to us in this number and or in this email ID or from our website. All the details will be in the description box. And agar aapko kya laga, agar you want me to try something new, you know, in the meme frame, let me know in the comment section too. That's it for today. Milte hain next video mein. Tab tak ke liye, bye guys. Love you all.